आप जानते हैं कि देशहित की शुरुआत आज हमने तिलक और आजाद जैसी महान विभूतियों का जिक्र करके क्यों की है? क्योंकि आज हिंदुस्तान को एक बार फिर बाल गंगाधर तिलक के सपनों का स्वराज चाहिए और हिंसक भीड़ से लड़ने वाला चंद्रशेखर आजाद चाहिए, ताकि राजस्थान के अलवर में जो कुछ हुआ दोबारा ना हो। कौन है वो लोग जो कभी अफवाह के नाम पर कत्ल करते हैं तो कभी गौरक्षा के नाम पर, और ऐसे मामलों में कानून के रखवाले क्या करते हैं? इन सवालों के जवाब पूछेंगे राजस्थान पुलिस और वसुंधरा राजे सरकार से, और वो भी टाइम टेबल के साथ। 22 जुलाई 2018 रात करीब 12:30 बजे अकबर टाटा 407 में दो गाय लेकर हरियाणा में अपने घर लौट रहा था। हरियाणा के अकबर को अलवर में गौ तस्करी के शक में भीड़ ने पीटा। 22 जुलाई 2018 रात 12:50 पर अलवर पुलिस बुरी तरह घायल अकबर के पास पहुंची। 22 जुलाई 2018 रात करीब 2 बजे अकबर को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी ढाबे पर रुकती है। चाय पीते हुए पुलिस वाले घायल अकबर से पूछताछ करते हैं। 22 जुलाई 2018 रात करीब 2:15 बजे पुलिस वाले अकबर को थाने लेकर आते हैं। थाने में अकबर के कपड़े बदले गए और पूछताछ होती रही। 22 जुलाई 2018 रात 3:12 एक गौशाला में फोन करके दो पुलिस वाले दोनों गाय वहां पहुंचाते हैं। 22 जुलाई 2018 तड़के करीब 4 बजे थाने से पुलिस की गाड़ी अकबर को लेकर अस्पताल पहुंचती है। घटनास्थल से अस्पताल 6 किलोमीटर और थाने से 4 किलोमीटर दूर है। पुलिस 3.5 घंटे में भी अकबर को अस्पताल नहीं पहुंचा सकी। जब तक पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची, अकबर की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी परमजीत और धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन पुलिस की लापरवाही के खिलाफ केस कौन दर्ज करेगा? पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हुई, ये पुलिस बताया कि पुलिस ने मारपीट कराया या किसने कराया, उसके साथ ये गलत आरोप है कि उसको पकड़ के उसके साथ मारपीट की गई है, ये बिल्कुल गलत आरोप है। सीसीटीवी और चश्मदीद दोनों पुलिस की लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने पहले अकबर को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? पुलिस का घायल इंसान को बचाना जरूरी है या टी ब्रेक? क्या हिंसक भीड़ पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अफवाह या गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार तो कड़े कानून बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल यह कि राज्य सरकारें और पुलिस अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगी? 2 साल पहले से पीएम मोदी गौरक्षकों की हिंसा को लेकर अपील कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की वसुंधरा सरकार कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी के सामने बेबस क्यों है? यहाँ जिंदा था, यहाँ खूब पुकार रहा था, वो उसके पुकारते पुकारते के वो लात दे रहे थे। प्रधानमंत्री संसद में अपील करते हैं, हिदायत देते हैं, लेकिन दिल में हिंसा का सैलाब लिए मुट्ठी भर बेकाबू भीड़ किसी की नहीं सुन रही। ऐसी ही हिंसक भीड़ ने राजस्थान के अलवर में एक इंसान और इंसानियत का खून कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखाता है, फिर भी जिनके दिल में हिंसा है वो सड़कों पर हत्या कर रहे हैं। आखिर ये किन लोगों की भीड़ है जो हिंदुस्तान के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती है, और ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां राजस्थान पुलिस और वसुंधरा सरकार हिंसक भीड़ के सामने बेबस नजर आ रही है? मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयं से भी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा सीधे कानून व्यवस्था का मामला है, और इसीलिए पुलिस अपनी लापरवाही और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी को छिपा नहीं सकती। पीएम मोदी मॉब लिंचिंग करने वालों को हिदायत देते हैं। वसुंधरा राजे सरकार ने पीएम की हिदायत से क्या सीखा? पीएम मोदी हिंसा करने वाली भीड़ से अपील करते हैं। वसुंधरा सरकार ने पीएम की अपील पर क्या एक्शन लिया? पीएम मोदी हिंसक भीड़ को रोकने की सलाह देते हैं। वसुंधरा सरकार ने अलवर की घटना पर क्या बड़ा कदम उठाया? राज्य सरकारें हिंसक भीड़ के खिलाफ रणनीति क्यों नहीं बनाती?
सड़कों पर हिंसक भीड़ का गुंडा राज क्यों नहीं रोकती पुलिस? वसुंधरा सरकार गौ रक्षा के नाम पर अकबर की हत्या नहीं रोक पाई, मगर कातिलों के खिलाफ एक्शन लेकर मिसाल पेश कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसक भीड़ की कोई जगह नहीं होती। जो समाज हिंसक हो जाता है उसका विनाश कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हिंदुस्तान के हित में लोगों को हिंसक भीड़ से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र ने हिंसा करने वाली भीड़ को रोकने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बनाई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कमेटी के प्रमुख हैं। ये कमेटी भीड़ की हिंसा रोकने के उपाय बताएगी। ये कमेटी हिंसक भीड़ के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगी। गृह सचिव सभी संभावित उपाय को लेकर 15 दिन के अंदर गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपे। फिर मंत्रियों की कमेटी GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। भीड़ की हिंसा रोकने के लिए ठोस रणनीति पर जोर इस बार रहेगा, ऐसा हमें सूचना।